अमित शाह जी ने अपनी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को, सारे सांसदों को दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में सारी कमियां निकालने के लिए भेज दिया। पिछले 3-4 दिन से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स, सभी सांसद लेंस लेके पूरी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में उसकी कमियां निकालने के लिए घूम रहे हैं और सारी पूरी इनकी जांच का नतीजा आज उन्होंने ट्वीट कर दिया अमित शाह जी ने। उन्होंने कहा है कि 8 स्कूलों में, टोटल कितने स्कूल है, 1024 स्कूल है हमारे, उन 1024 स्कूलों में से मात्र 8 स्कूलों में भारतीय जनता पार्टी और उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को मात्र 8 स्कूलों में कुछ कुछ कमियां मिली हैं, बाकी सारे स्कूल सही हैं। सो मैं दिल्ली के बच्चों को बधाई देता हूं और दिल्ली की पेरेंट्स को बधाई देता हूं, टीचर्स को बधाई देता हूं कि आप इतनी कठिन परीक्षा पास हो गए आप। और उन 8 स्कूलों में जो उन्होंने कमियां निकाली हैं, मैं आपको दिखाता हूं उस कमियों की सच्चाई क्या है। जो उन्होंने कमियां निकाली है उसमें मात्र केवल उनकी दुर्भावना, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के लोगों के प्रति दुर्भावना है, अमित शाह जी की जो दिल्ली के लोगों के लिए नफरत है, दिल से नफरत करते हैं अमित शाह जी दिल्ली के लोगों को, उनकी जो नफरत है, उनकी जो दुर्भावना है दिल्ली के टीचर्स के प्रति, दिल्ली के पेरेंट्स के प्रति, दिल्ली के बच्चों के प्रति, उनकी इस रिपोर्ट में वो दुर्भावना झलक रही है, उसकी सच्चाई अब मनीष जी प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। मैं उनके 8 स्कूलों के बारे में जो उन्होंने आज बोला है उसके बारे में एक बहुत बड़ा सच आपके सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से वो पूरी की पूरी रिपोर्ट फ्रॉड है। एजुकेशन की बात करने की इनकी हिम्मत नहीं होती है, इसलिए शुरुआत में वहीं से करता हूँ जहाँ से इन्होंने की। इन्होंने लिखा जी, कल दिल्ली भाजपा के 8 सांसद अलग अलग स्कूलों में गए, ये गिनती भूल गए, दिल्ली में तो 7 ही सांसद हैं। खैर कोई बात नहीं, आजकल चुनाव में बिजी हैं 8 सांसद। मैं आपको पहला, इनके पहले सांसद ने ट्वीट किया, गौतम गंभीर जी ने, इनके पहले सांसद जो जिनका ट्वीट था गौतम गंभीर जी का, उन्होंने बड़े एरोगेंस के साथ लिखा, दे से फाइट द इलेक्शन ऑन एजुकेशन, आई से फाइट द इलेक्शन ऑन ट्रुथ। ट्रुथ के बाद उन्होंने एक वीडियो लगाया, मैं वो वीडियो पहले दिखा दूं, शुरू से दिखाइए इसको, ये गौतम गंभीर जी वाला है। हाँ, ये इन्होंने एक स्कूल का वीडियो दिखाया। अब इस पर दिखाया कि किस तरह से इसके बाहर, खैर बाहर का तो फुटपाथ वगैरह, ये अंदर का कुछ कुछ दिखाया। और ठीक है, अंदर आगे बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा लंबा वीडियो है। इन्होंने दिखाया कि कितना बदहाल स्कूल है, रोक दीजिए विकास इसको, कितना बदहाल स्कूल है, कितना खराब स्कूल है, और उसका ट्रुथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय ने माननीय अमित शाह जी के सामने रखा और अमित शाह जी ने आज देश के सामने रखा है इसको। उन्होंने ट्वीट भी किया भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद महोदय ने ट्रुथ, लेकिन उसका ट्रुथ मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा वीडियो चलाइए, रेल खिचड़ीपुर का, ये वही स्कूल है। अब इसका, अब रोक दीजिए विकास, थोड़ा सा और आगे रखिए, यहाँ रोक दीजिए, और थोड़ा सा रखिए, और थोड़ा चलाइए, थोड़ा सा प्ले करिए, बस रोक दीजिए। इस स्कूल के गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक सूचना, यह स्कूल 9 अक्टूबर 2019 से एसबीवी जेजे कॉलोनी में लगेगा। स्कूल शिफ्ट हो चुका है, खाली पड़ा है, खंडर पड़ा है, उसको तोड़ा जा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग पुरानी है, स्कूल पे नोटिस लगा दिया गया है कि अब इस स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे, वो स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और इस स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने का नोटिस जो ऑर्डर है वो मेरे पास में पब्लिक नोटिस वहां लगा रखा है। जब गौतम गंभीर जी वहां गए होंगे इस स्कूल का वीडियो बनाने, ट्रुथ बताने, तो उनको ये ट्रुथ नजर तो आ गया होगा, लेकिन पढ़ नहीं पाए होंगे, शायद जलेबी में व्यस्त होंगे, वहां कल्याणपुरी खिचड़ीपुर में जलेबी चौक बड़ा मशहूर है, तो शायद उनको जलेबी याद आ गई होगी, वो सार्वजनिक सूचना नहीं पढ़ पाए बेचारे गौतम गंभीर जी। 9 अक्टूबर 2019 से ये स्कूल चल नहीं रहा है, इस स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल में बैठे हुए हैं, इस स्कूल में डेमोलिशन के ऑर्डर हो गए हैं,
हमारे पास में ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन से कि अभी इस स्कूल अभी ये स्कूल ये मैं आपको दे दूंगा। इस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये स्कूल मतलब इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा है कि अभी रुक जाइए इलेक्शन तक, क्योंकि इसके कुछ कमरों को वो बूथ के रूप में यूज करेंगे जो भी सेफ कमरे हो, इसलिए नहीं तो ये तो अब तक डेमोलिशन हो गया होता। तो स्कूल के दरवाजे पे ट्रुथ लिखा हुआ है, गौतम गंभीर जी पढ़ नहीं पाए। दूसरा, इनके सारे सांसदों के जितने इन्होंने किए हैं मैं उनका ट्रुथ बताता हूं। तो ये दूसरा प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने एक ट्वीट किया, इसको हटाओ। उन्होंने एक वीडियो बना के भेजा, अभी रुक जाइए, मटियाला बिल्डिंग, हाँ रुक जाइए। तो उन्होंने क्या किया, जिस स्कूल में वो गए वहाँ एक तरफ ग्राउंड में पुरानी बिल्डिंग है, उसके सामने हमने नए कमरे बनवा दिए हैं और बहुत शानदार नई बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। पुरानी बिल्डिंग के कुछ कमरे भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सावधानी के साथ में पुरानी बिल्डिंग के सामने फेसबुक लाइव किया। मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और वो एस्टेट मैनेजर बता रहे थे कि अपने लोगों को डांट भी रहे थे कि खबरदार अगर ये नई बिल्डिंग दिख गई तो, लोगों को कई बार झाड़ा भी उन्होंने, नई बिल्डिंग कैसे दिखा रहे, उधर मत दिखाओ, उधर मैं जाऊँगा तो नई बिल्डिंग दिख जाएगी। और उसके बाद में उन्होंने बाकायदा बहुत खूबसूरती से पुरानी बिल्डिंग में फेसबुक लाइव किया। वहाँ से पुरानी बिल्डिंग का मैं अब आपको पुरानी बिल्डिंग का वो वीडियो दिखा देता हूँ। पुरानी बिल्डिंग प्ले कर, स्कूल की पुरानी बिल्डिंग, ये पुरानी बिल्डिंग है, इसके अंदर के कुछ कमरे टूटेंगे, इसको हम तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। और इसके दूसरी तरफ जिसको वो छिपा गए, और ये है स्कूल की नई बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग के अंदर मैक्सिमम कमरे, इसके मैक्सिमम क्लासेस चल रही हैं। एक बार टू सेकंड वीडियो दिखा दो इसका, मटियाला टू। स्कूल के अंदर के हालात क्या हैं जिसको प्रवेश वर्मा जी देख नहीं पाए, क्योंकि उनको वो टूटी हुई बिल्डिंग का भी फेसबुक अंदर करना था। ये देखिए, ये है उस स्कूल का सच जिसका प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी ने ट्वीट किया है, ये उसका क्लासरूम है। तो हमें फक्र है इस बात पर कि ये कमियां ढूंढने चले तो कमियां भी इनको ऐसी मिली जिसमें ये नोटिस नहीं पढ़ पाए, फर्जी थी जो कमियां, कमियां फर्जी थी। तो बीजेपी का फर्जीवाड़ा शिक्षा को लेके पूरा का पूरा एक्सपोज हो गया आज। तीसरा, रमेश विधूड़ी जी, वहां का सच है जो रमेश विधूड़ी जी ने डाला है। हंसराज हंस जी एक स्कूल में गए, हंसराज हंस जी के बारे में दिलचस्पी ये है कि वो रात को 7:30 बजे मंगोलपुरी के के ब्लॉक के स्कूल में गए। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक पढ़ाई होती है वहाँ पे। वहाँ पे रात को ना प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने एस्टेट मैनेजर के साथ गाली गुफ्तार की, एस्टेट मैनेजर वहाँ थे, गार्ड को धमकाया और उसके बाद ज़बरदस्ती एक कमरे को खुलवाया और उसमें गए। कमरा ऐसा ढूंढा जिसमें उनको डेस्क नहीं दिख रही थी, लेकिन अब हंसराज हंस जी की शायद नॉलेज में नहीं होगा, स्कूल में एक मल्टीपर्पज़ हॉल होता है, उसके पर दरी बिछी होती है, दरी पे बच्चे डांस वगैरह कुछ कुछ प्रैक्टिस कुछ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो डेस्क रूम वाले में नहीं होती हैं, जो रेगुलर क्लासरूम नहीं होता है, वो उसमें चले गए। अब ज़रा उनके वीडियो को देख लीजिए, और जूते पहन के गए। पंखा, ट्यूबलाइट, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड सब दिख रहा है, शानदार। सीसीटीवी भी लग रहा है। तो एक मल्टीपर्पज हॉल में जाके अमित शाह जी के सांसद महोदय रिपोर्टिंग करके लाए हैं, पीस टू कैमरा करके लाए हैं, पीटीसी। तो वहां से अब उनको पता ही नहीं था ये मल्टीपर्पज हॉल है, उनको लगा अच्छा डेस्क नहीं है तो ये कहा जा सकता है डेस्क नहीं है, बाकी कमरों में डेस्क दिख रही थी उनको, उसमें नहीं गए, बोले जी इसमें चलते हैं, गार्ड को धमका के, उनको धमका के। तो कुल मिला के ऐसे ही एक प्रेम नगर का स्कूल भी एक सांसद महोदय ने ट्वीट किया है,
उसके भी डेमोलिशन के ऑर्डर्स हैं मेरे पास, उसके नए सेंक्शन, नए ये भी 17/10/2019 के ऑर्डर हो चुके हैं नए के, इलेक्शन की वजह से डिले किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी नहीं चाहता तोड़ दिए जाएं, वो यूज़ करेंगे उनको कमरों को थोड़ा सा बूथ के लिए। तो कहना ये चाहता हूँ कि जो अमित शाह जी के सांसद स्कूलों की रिपोर्टिंग करके लाए हैं, अमित शाह जी को थोड़ा सा समझाना चाहिए यार, स्कूल के बाहर का नोटिस ही देख लेते। अमित शाह जी को उनको समझाना चाहिए कि बाजू वाला कमरे इतने सारे बन रहे थे वो भी देख लेते, मल्टीपर्पज़ हॉल में जाके कह रहे हो कि यहाँ डेस्क नहीं है, अमित शाह जी समझा देते कि मल्टीपर्पज़ हॉल में डेस्क नहीं होती हैं, वहाँ पे बच्चे डांस प्रैक्टिस या योगा प्रैक्टिस या और भी कुछ कर सकते हैं। पर क्योंकि झूठ ही बोलना था तो इसलिए कुछ भी बोला जा सकता है। सो मैं बस अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, आपको हमसे नफरत है, आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, आपको केजरीवाल से नफरत है, आपको मनीष सिसोदिया से नफरत है, आप हमें गाली दीजिए, हमारे बच्चों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली के 16 लाख बच्चों ने अपने 32 लाख पेरेंट्स के साथ मिलके, 65,000 टीचर्स के साथ मिलके 5 साल में बहुत मेहनत की है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में, आप उनका अपमान मत कीजिए, उनका अपमान दिल्ली के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे लीजिए, जितनी गाली देनी है आप हमें गाली दे लीजिए। और दूसरा, मैंने अभी कुछ दिन पहले उनका एक ट्वीट पढ़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में उनकी सरकार बन गई तो दिल्ली को भी वो उत्तर प्रदेश जैसा बना देंगे, तो दिल्ली के लोग तय कर लें कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को उत्तर प्रदेश जैसा बनाना है कि नहीं बनाना है।